नमस्कार साथियों, मैं आप लोगों का दोस्त नीरज यादव। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ अहम मुद्दे पर बात करने आया हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है कि लोकसभा चुनाव पूरा पूरे देश में अभी होने वाला है, जो कि हमारा सीट 543 सीटों पे पूरा वोटिंग होने वाला है। राउंड में होने वाला है, 7 चरणों में बोले तो, राउंड बोले तो 7 चरणों में होने वाला है, जो कि सभी स्टेट में होगा। ठीक है, तो हम आप लोगों के साथ आज हमारा वीडियो में आने का एक ही मकसद है कि देखिए, हमारा जो वोट है हमारा अधिकार है। हम ऐसे पार्टी को चुने पूरे देश भर में या अपने राज्य में, जो भी आप वोटिंग जहाँ पे भी आप देने जा रहे हैं, तो देखिए हमारा वोट हमारे बच्चों का और हमारा भविष्य रहता है और हमारे देश का भविष्य रहता है। ठीक है, जो लोग भी जीत के जाते हैं, जिस भी पार्टी से रहते हैं, उनका एजेंडा पहले आपको जानना है। ऐसे जाके किसी भी पार्टी, पहले तो आपको जाति धर्म पे वोट नहीं देना है, क्योंकि देखिए धर्म अपनी जगह है, अपना आस्था अपनी जगह है। आप किसी पार्टी के हिसाब से अपने आस्था को जज करिएगा या उसके हिसाब से चलिएगा, तो ये एक दिखावा होगा, ढोंग होगा। ठीक है, तो हमारे कहने का मतलब एक ही है कि हम पार्टी या राजनीतिक दल कोई भी चुनते हैं, हम अपने देश में बैठाने के लिए उसको सर्वोपरि, जो भी प्रधानमंत्री बनते हैं मतलब बैठाते हैं, हम अपने देश का विकास चाहते हैं कि हमारा देश एक ऐसी स्थिति में हो जो कि विश्व में एक अच्छा पहचान रखे। हम कहीं और भी जाए तो हमारा पहचान हमारे देश से हो, हमारे देश का विकास से हो, हमारे राज्य के विकास से हो, उसके बाद हमारी देश की इकोनॉमी से हो, हमारे देश के रोजगार से हो। आप उस पार्टी को वोट दीजिए जो रोजगार पे बात करे, आप उस पार्टी को वोट दीजिए जो आपके विकास की बात करे, जो किसानों की बात करे, जो युवाओं की बात करे, जो नारी सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने की बात करे, है ना। इन सब बातों पे आपको वोट देना है, क्योंकि एक वोट का कीमत आपको पता होगा। एक वोट सरकार बदल सकती है, सरकार गिरा सकती है, सरकार बना सकती है। तो इसीलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि इस बार 18वीं लोकसभा चुनाव जो हो रहा है, सोच समझ के वोट दीजिए। मैं किसी पार्टी का नेतृत्व नहीं कर रहा हूँ, ना किसी पार्टी के पक्ष में बोल रहा हूँ, ना ही किसी पार्टी के विपक्ष में बोल रहा हूँ। सभी पार्टियां अपने अपने जगह है, लेकिन आपका वोट आपका अधिकार है। आप पहले सोचिए, समझिए कि देश के हित में क्या है, हमारे राज्य के हित में क्या है, हमारे फ्यूचर के हित में क्या है, हमारे बच्चों के हित में क्या है, तब जाके आप वोटिंग करिए। बिना सोचे समझे कभी भी जात धर्म के आधार पे आपको वोटिंग नहीं करना है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट।